भैया साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। स्वागत वंदन अभिनंदन सभी का। सफेद शेरों की भूमि से रीवा वाले राम राम कर रहे भाई साहब। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ। आ जाओ शुरुआत कर देते हैं। जिला राजगढ़ लेक्चर नंबर वन। राजगढ़ वाले तो दिल थाम कर बैठे ही होंगे, लेकिन जो जिला राजगढ़ से नहीं है वो भी जिला राजगढ़ को अच्छे से पढ़े। भाई साहब राजगढ़ जिला जो है ना, बड़ा अनोखा जिला है, विचित्र जिला है, अच्छा जिला है और कुछ मामलों में पिछड़ा हुआ जिला भी है। अब वो मामले क्या है? वो मामले एजुकेशन का भी है, वो मामला वहां पर कुछ विकास का भी है, और वो मामला कहीं ना कहीं वहां पर कुछ आदतों का भी है। क्या है ये सब चीजें, पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लिंक शेयर कर दो। राजगढ़ से राम राम। दिनेश भैया आ गए राजगढ़ वाले, तमाकू सेवन में प्रसिद्ध है, बताते हैं, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। राधे राधे नरसिंहपुर से राम राम भाई साहब, ठीक है। लेट आने में डबल पीएचडी करने वाले बाबा शेखावत का आप सभी को प्रणाम। स्वीकार करो और लिंक शेयर कर दो। सबसे पहले भाई साहब मजे आ जाएंगे आज। आप लिंक शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कीजिए। और आज आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण, राजगढ़ जिला जो है ना राजा, राजगढ़ जिले से पुरानी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो राजगढ़ हमारे लिए काम का जिला है भोपाल संभाग में, अभी तो मैं कहूंगा। तो देखिएगा राजगढ़ जिला पहला लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा एक नया शेड्यूल है जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं, हिंदी चाहे वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, किसी भी राज्य से हैं उन सबके लिए 11:30 से 12:30 एमपीजी के जिलेवार फैक्ट सीरीज, इसमें स्पेशल सीरीज चल रही है जो 1 से 2 में आपको पढ़ा ही रहा हूं, और एक एमपीजीके की लाइव क्लास एप्लीकेशन पर होती है। जो एप्लीकेशन पर होती है क्लास, एप्लीकेशन पर वही लोग क्लास ले पाते हैं जो परचेस कर चुके हैं, उनकी क्लास रहेगी 2 से 3 इस लेक्चर के तुरंत बाद, बैक टू बैक। ओके, रीवा को पढ़ाओगे भाई साहब, रीवा का नंबर आएगा रीवा संभाग में। अभी राजगढ़ के बाद में विदिशा जिला और बचा है, भोपाल संभाग समाप्त, फिर देखते हैं कौन सा संभाग लेंगे। टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी के लिए 350 में 24 आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश का नक्शा, और इस मध्य प्रदेश के नक्शे में यह बैठा आपका जिला राजगढ़। कौन सा जिला? राजगढ़ जिला। इस राजगढ़ जिले की अगर मैं बात कहूं तो यहां पर एक और जिला आता है जिसको मैं लिख रहा हूं आगर मालवा। ये पुराना नक्शा है लेकिन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि यह साफ और एकदम क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर नक्शा है, इसलिए मैं आप लोगों को यह वाला नक्शा ले रहा हूं जिसमें कुछ थोड़ी सी त्रुटि है लेकिन मैं आपको सही करवा देता हूं। राजगढ़ भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है और भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाला एकमात्र ऐसा जिला है जिसे आप सीमावर्ती जिला कहेंगे। भोपाल संभाग में, भोपाल संभाग में, भोपाल डिवीजन में समझना एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे, प्रश्न ना जाने कहां से फेंक दे, रटने की बात थोड़ी, समझने की बात है। भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, 1 स्वयं भोपाल, 2 मैंने पढ़ाया आपको सीहोर, 3 मैंने आपको पढ़ाया रायसेन, 4 मैं पढ़ा रहा हूं राजगढ़, और 5 पढ़ाऊंगा इसके बाद में विदिशा। 5 जिले हैं, 5 से आप चाहे विदिशा की बाउंड्री देख लो आप, ये विदिशा जिला हुआ आपका, इसके बाद में इससे लगे हुए रायसेन जिले की बाउंड्री देख लो आप, ये आपका रायसेन जिला हुआ, विदिशा सागर से लगा हुआ। भोपाल की बाउंड्री देख लीजिए, 3 ये हुआ, और 4 आपके सीहोर की बाउंड्री देख लीजिए। ये 4 जिले जो हैं भोपाल के, वो 4 ऐसे हैं जो अपने ही जिलों को छूते हैं, दूसरे राज्य को नहीं। राजगढ़ एकमात्र भोपाल संभाग का जिला है जो किसी दूसरे राज्य अर्थात राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। ये देखिएगा इधर राजस्थान है, RJ4 राजस्थान। तो भोपाल संभाग का एकमात्र जिला जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है वह राजगढ़ जिला होगा, याद रखिएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले को छूता है? तो राजगढ़ जिला 1 तो हो गया आपका आगर मालवा को स्पर्श करता है, 2 हो गया आपका शाजापुर जिले को स्पर्श करता है, 3 हो गया आपका सीहोर जिले को स्पर्श करता है, 4 हो गया आपका भोपाल जिले को स्पर्श करता है, और 5 हो गया आपका गुना जिले को स्पर्श करता है। तो याद रखिएगा राजगढ़ जिला भोपाल, गुना, सीहोर, शाजापुर और आगर मालवा इसी तरह से 5 जिलों को स्पर्श करता है। पर अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि बताओ राजगढ़ जिला, राजगढ़ जिला अन्य कितने संभागों की सीमा को छूता है, अन्य कितने संभाग, तो याद रखिएगा
आगर मालवा और शाजापुर ये दोनों उज्जैन संभाग में आते हैं, तो संभाग नंबर एक हो गया। सीहोर और भोपाल राजगढ़ के साथ ही भोपाल संभाग में, और दूसरा गुना जो होता है वो ग्वालियर में आ गया, तो याद रखिएगा यह दो संभागों की सीमा को छूता है। क्लियर हो रहा है? देवास जिला तो कब का ही पढ़ा दिया, अजय दरबार कब का ही पढ़ा दिया, समझ में आ रहा है ना? तो फिर से मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि राजगढ़ जिला जो होता है, राजगढ़ जिला संभाग की अगर मैं बात करूंगा डिवीजन की, तो संभाग कौन से में आता है? भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। या कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? या एएम को मतलब होता है आगर मालवा, आगर मालवा एक, शाजापुर दो, सीहोर तीन, भोपाल चार, गुना पांच, और एक राज्य आरजे फोर राजस्थान को स्पर्श करने वाला जिला है। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उन 14 जिलों में से याद रखिएगा आपका एक रतलाम आता है, उज्जैन आता है आपका, फिर आता है आगर मालवा, एक आता है राजगढ़ आपका है, एक आता है फिर सीहोर, सीहोर के बाद में भोपाल, भोपाल के बाद में विदिशा, रायसेन, सागर, इस तरह से दमोह जबलपुर निकल जाती है। तो राजगढ़ वह जिला है जहां से कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा राजगढ़ जिले से भी निकलकर जाती है। तो राजगढ़ जिले के संदर्भ में ये छोटी सी बात थी। जी हां राजकुमार भाई, फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध भाग मिल्खा भाग फिल्म जिनके ऊपर बनाई गई, मिल्खा सिंह का निधन हो गया 5 दिन पहले, उनकी पत्नी जी का भी निधन हुआ था। मिल्खा सिंह की अगर मैं बात करूं तो उनके जीवन पर बनाई गई फिल्म मेरे जीवन की सबसे फेवरेट फिल्म है, और उस फिल्म का जो एक गाना है और अंग्रेज मेरे, वो मेरा फेवरेट गाना है। तो मिल्खा सिंह पर्सनली तो हम इतना नहीं जानते, लेकिन जावेद अख्तर के बेटे ने, फरहान अख्तर ने जो एक्टिंग की, वो दिल और दिमाग में ऐसे डाल दी है ना कि मिल्खा सिंह जिंदगी तो क्या मेरे मरने तक भी मेरे दिल और दिमाग में अमर रहेंगे, क्या व्यक्ति थे वो, सल्यूट है उनको। और वो व्यक्ति के बारे में एक रिकॉर्ड बता दूं, प्रश्न पूछा जाएगा, तारीख नोट कर लीजिए, प्रश्न ये रहेगा कि राष्ट्रमंडल खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला मेडल दिलाने वाले, पहले गोल्ड मेडल दिलाने वाले मिल्खा सिंह थे। मिल्खा सिंह के बेटे का नाम जीव मिल्खा सिंह है। क्या नाम है? जीव मिल्खा सिंह। और जीवा मिल्खा सिंह जो है गोल्फ के खिलाड़ी है, उनको धावक या रनर मत समझिएगा, एथलीट नहीं है। जीवा मिल्खा सिंह जो है वह गोल्फ के प्लेयर है, इनके ही पुत्र है। अंकिता तिवारी, आई लाइक यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी हां पंकज जी, बिल्कुल दुनिया में, अरे सिख पाकिस्तान ने नाम दिया था फ्लाइंग सिख के नाम से। तो भाग मिल्खा भाग फिल्म देखेंगे तो आप जान जाएंगे मिल्खा सिंह के बारे में। मेरी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि, नमस्कार। चलिएगा राजगढ़ जिले की बात करते हैं, तो राजगढ़ जिला हो गया। अब राजगढ़ जिले की खुद का राजगढ़ जिले का नक्शा देखते हैं। ये देखिएगा राजगढ़ वालों, आप लोगों के लिए है, राजगढ़ में तहसीलें कितनी है, प्रश्न ये उठता है राजगढ़ में तहसीलें कौन सी है। 30 जिले पढ़ा दिए राजा। एक तो खुद आपकी तहसील है राजगढ़, ये राजगढ़ तहसील है, ये राजगढ़ तहसील है जो जिला मुख्यालय है। एक है आपकी खिलचीपुर, खिलचीपुर रियासत भी थी। एक है आपका जीरापुर, तो जीरापुर एक तहसील है, खिलचीपुर एक और तहसील है, राजगढ़ स्वयं एक तहसील है जो जिला मुख्यालय है। इधर देखोगे तो आपको मिलेगा सारंगपुर, कौन सा है सारंगपुर, एक तहसील है पचोर और एक तहसील है नरसिंहगढ़, इसे सबसे सुंदर तहसील माना जाता है पर्यटन की दृष्टि से, और एक तहसील है ब्यावरा। तो कितनी हो गई, पुनः सुनिएगा, राजगढ़ एक, खिलचीपुर दो, जीरापुर तीन, सारंगपुर चार, पचोर पांच, नरसिंहगढ़ छह और ब्यावरा सात। ये नरसिंहगढ़ है जो तहसील है जिला राजगढ़ की, और एक नरसिंहपुर है जो जिला है मध्य प्रदेश का, होशंगाबाद के बगल में। ज्योति घुसवा, आई एम फ्रॉम, अच्छा तलेन पचोर से, राम राम सब। देखो भाई साहब आज देखो आप, तो कितनी तहसील हो गई, तहसीलों की संख्या 7 है। कौन कौन सी है एक बार मैं 7 तहसीलों के आपके सामने नाम लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा। तहसीलों की संख्या 7 है, 7 तहसील है। एक होगी आपकी राजगढ़ तहसील, नंबर एक होगी राजगढ़ तहसील, नंबर दो में आपको लिख देता हूं मैं खिलचीपुर तहसील, खिलचीपुर तहसील, नंबर तीन में आपको लिख देता हूं जीरापुर तहसील, जीरापुर तहसील, नंबर चार में लिख देता हूं आपको पचोर तहसील, नंबर चार में पचोर तहसील, नंबर पांच में ब्यावरा, ब्यावरा तहसील, नंबर छह में आपका आएगा नरसिंहगढ़, नंबर छह में आएगा नरसिंहगढ़, कितनी तहसील होगी 6, और नंबर 7 में आपको लिख देता हूं सारंगपुर।
इस तरह से 7 तहसीलों वाला एक जिला है राजगढ़ जिला, पढ़ना शुरू करते हैं इसे। वैदिक मालवी आपकी तहसील से नमस्कार। जी भाई साहब, खातेगांव से हो क्या? देखिएगा, गठन की बात करते हैं तो 1956 में यह मध्य प्रदेश के हिस्से में आया, लेकिन समझिएगा 1956 में मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है राजगढ़, मतलब यह होता है कि मध्य प्रदेश फर्स्ट ऑफ नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनाया गया। जी हाँ, जब मध्य प्रदेश बनाया गया इस 1956 को, तो 1948 में क्या है सर, 1948 में इसे मध्य भारत के हिस्से में मिला लिया गया था। सर ये मध्य भारत क्या है? मध्य प्रदेश 1956 में बना, और बनते ही राजगढ़ इसका हिस्सा था, राजस्थान से टच है फिर भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 1948 में यह मध्य भारत का हिस्सा बना, यह वो क्षेत्र था, यह मध्य भारत जिसकी दो राजधानियां थी, 6 माह तक इंदौर राजधानी थी और 6 माह तक ग्वालियर राजधानी थी। सुना होगा आपने, हाँ, तो ग्वालियर और इंदौर जो थी, तो 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर करवाए थे जीवाजी राव सिंधिया से, और जीवाजी राव सिंधिया तो इंदौर से लेकर ग्वालियर के बीच में राजगढ़ आता था। कैसे समझे आप इसको, बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, समझिएगा। कहां से कहां तक आता था राजा, ये इसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं यहां से। ये इंदौर है, ये आपका इंदौर है, ये इंदौर है और ये ग्वालियर है, ये इंदौर है, ग्वालियर है, यहां पर होलकर वंश था और यहां पर ग्वालियर का सिंधिया वंश था। तो यहां से लेकर यहां के बीच में ये राजगढ़ बीच में आता है। राजगढ़ में खिलचीपुर रियासत थी, नरसिंहगढ़ रियासत थी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन ये आता किसके अंतर्गत था, इंदौर और ग्वालियर के अंतर्गत, अर्थात होलकर वंश के अंतर्गत और सिंधिया वंश के अंतर्गत। जब सिंधिया वंश का प्रमुख, मतलब ये पूरी जितनी भी जगह थी ना, ये पूरी जितनी भी जगह दिख रही है आप लोगों को, ये पूरी की पूरी जो जगह थी, ये पूरी की पूरी मध्य भारत थी। ये क्या थी? मध्य भारत थी, मध्य भारत थी। क्या जगह थी? मध्य भारत थी। ये पूरी यहां पर टोटल 26 रियासतों से मिलकर ये पूरा बना था। जब यहां के राजा ने, जीवाजी राव सिंधिया ने तय कर लिया कि मध्य भारत भारत का हिस्सा होगा, तो राजगढ़ अलग थोड़ी ना होगा। तो इनके हस्ताक्षर करते ही 1948 में जो राजगढ़ था और इसकी जितनी भी रियासतें थी, वो सब की सब अपने आप किसमें, भारतीय संघ में, अर्थात जब देश भारत बना, पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत में शामिल हो गई, ठीक है ना। तो राजगढ़ जो था 1948 में मध्य भारत, या मध्य भारत से हटाकर, या मध्य भारत में ही था, भारतीय संघ में मिला दिया गया। तो दोनों प्रश्न आपके काम के होंगे। पहला प्रश्न होगा कि साहब इसका गठन कब हुआ, तो मध्य प्रदेश 1956 में बना, तो इसका गठन 1956 में, लेकिन यह मध्य भारत का हिस्सा कब बना, तो 1948 में बन गया था। उसका रीजन समझ गया आप, क्योंकि रियासतें मिला दी गई थी। क्षेत्रफल 6153 वर्ग किलोमीटर है, 6153, ज्यादा बड़ा जिला नहीं है मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। ठीक है ना। जनसंख्या कितनी है? 15,45,814, मतलब अच्छी खासी जनसंख्या है। आपको इतने आंकड़े याद नहीं रखना, आपको बस याद रखना है गठन कब हुआ, ये तो आपको जरूर याद रखना है, और ये भारत संघ में विलय कब हुआ, ये जरूर याद। बाकी क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कई सारी परीक्षा एमपीजीके की पूछ चुकी है। अच्छा, जनसंख्या कितनी है, अब याद रखिएगा, 12 लाख 13 लाख 15 लाख, हम जैसे सीहोर पढ़े थे, हम पढ़े थे 13 लाख, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब सीहोर इसका पड़ोसी जिला है, लेकिन उससे ज्यादा पब्लिक है। दशकीय वृद्धि दर यहां पर 23.26% यहां पर पब्लिक हर 10 साल में बढ़ती है, जो कि अच्छी खासी बढ़ जाती है। जनसंख्या का घनत्व क्या कहता है, जनसंख्या घनत्व है 251 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में 17वें नंबर पर आता है। मतलब कि यहां पर भी जगह के हिसाब से पब्लिक ज्यादा है, भाई समझो आप, सीहोर का क्षेत्रफल इससे बड़ा, उसके बावजूद भी यहां जनसंख्या उससे ज्यादा, तो कम जगह जनसंख्या ज्यादा तो कंजस्टेड तो होगा, तो जनसंख्या घनत्व इसका 251 है। लिंगानुपात सेक्स रेशो 956 है। ये एक खुशी की बात है कि यहां का सेक्स रेशो दूसरे जिलों के मुकाबले अच्छा है, दूसरे जिलों के मुकाबले यहां लिंगानुपात अच्छा है। शिशु लिंगानुपात की बात करता हूं, चाइल्ड सेक्स रेशो, कोई नहीं समझ पा रहा लिंगानुपात क्या है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति राजगढ़ का है, उसे पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, उन्होंने कि अपना मां साहब का बता रहा, राजगढ़ में देख लें अपने बेटे बेटी पढ़ रहे हैं, इससे
मतलब लिंगानुपात का मतलब होता है, इसे सेक्स रेशो अंग्रेजी में कहा जाता है, लिंगानुपात मतलब होता है लड़के एवं लड़कियों की तुलना, पुरुष और महिलाओं की तुलना कि कितनी संख्या है। 1000 यदि राजगढ़ में 1000 पुरुष है तो 956 956 महिलाएं हैं। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट राजगढ़ का है, अपने घर में बैठकर देख रहा है, तो जल्दी से अपने घर में मम्मी पापा कोई भी हो बहन बताओ उसे कि क्या होता है। राजगढ़ की स्थिति यह है कि यदि 1000 पुरुष है मतलब कि आदमी है तो 956 महिलाएं हैं, औरतें हैं, मतलब कि 1000 में 44 कम, 44 कम, मतलब सीधी सी बात है हम पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है, जो कि ज्यादा होना चाहिए लगभग लगभग। यह बताता है कि लड़कियों को जो बचाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जाती, क्यों चलाई जाती, इसीलिए। शिशु लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है ऐसी तुलना जहां पर पैदा होने से लेकर 6 साल तक के बच्चे बच्चियों की तुलना की जाती है। जिन बच्चे बच्चियों की उम्र 6 साल या उससे कम है, 6 से 5, 4, 3, 2, 1 या 4 महीने का भी है लेकिन 6 साल से ज्यादा का नहीं है, ऐसे यदि बच्चे बच्चियों की तुलना की जाए तो वहां पर याद रखिएगा 920 है, मतलब स्थिति और डाउन है, भोपाल सीहोर के लगभग है। मतलब कि यदि 6 साल तक के 1000 लड़के हैं तो उसमें लड़कियों की संख्या 920 है, मतलब लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां कम है इसकी तुलना में, ठीक है ना। सर फिर सगाई क्यों नहीं हो रही है? किसकी? वो लड़कियां कम है ना, तुम तो बहुत ज्यादा हो इस कारण से, ठीक है ना। कुल साक्षरता एजुकेशन की बात करता हूं, ये इसलिए नहीं हो रही है, एजुकेशन रेट देखो आप, प्रदेश में 52 जिले हैं, राजगढ़ ऊपर से टॉप 10 में आता है, पीछे से 61.21% 61.21% यहां की साक्षरता दर है। और साक्षरता का भी एक तरीका बता दूं मैं, 2011 की जनगणना जिसे कहते हैं 2011 का सेंसस, उसमें तय होता है, याद रखिएगा कि सर साक्षर कौन नहीं है, याद रखना जिसकी उम्र 6 साल तक होती है ऐसे बच्चों को या ऐसी जनता को सरकार शिक्षित मानती ही नहीं है। भली 6 साल का बच्चा चौथी क्लास में पढ़ रहा हो उसे पढ़ा लिखा नहीं मानती है। क्राइटेरिया है सरकार गिनते समय 7 साल से ऊपर के लोगों को ही शिक्षा की श्रेणी में रखती है। यह भी बात याद रखिएगा, प्रश्न कभी आ जाए कि साहब सेंसस का या जनगणना का क्या क्राइटेरिया रहता है, तो जिसकी उम्र 7 साल से ऊपर या 7 साल है वही शिक्षा की श्रेणी में उसकी एजुकेशन लिखी जाएगी। माना कि तुम्हारे घर में मम्मी पापा आप और 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जिसमें एक की 10 साल की एज है और एक की 5 साल की एज है, वो 5 साल की बच्ची से एजुकेशन पूछेगा लेकिन उसको दर्ज नहीं करेगा क्योंकि 6 साल से नीचे का बच्चा पब्लिक में गिनाएगा, एजुकेटेड में नहीं गिनाएगा। ओके ठीक है, तो एजुकेशन इसकी कम है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको इससे आगे और बेहतरीन चीजें पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। ये देखो रिश्तेदारी शुरू हो गई है, भाई पचोर में तू कहां से है, कहां से, वो साइकिल की दुकान के बगल में से है क्या? अरे मुंह यू की रियो थो कि तम रिंदो यार, ये पचोर की भाषा, तम रिंदो यार, कही जा नगे रिश्तेदारी करोगा। एक बात और कह दूं कि जो दांगी सरनेम आपने सुनी होगी, दांगी सरनेम का गढ़ है राजगढ़ जिला। मैंने तो अपने जीवन में पहली बार जब दांगी सरनेम सुना तो मैंने सोचा कि ये पता नहीं किस जिले से होंगे, बाद में पता चला कि मुंह उठा के बस एक तरफ राजगढ़ तरफ देख लो, दांगी दांगी दिखेंगे आपको। तो दांगी जो है, जो सरनेम लिखते हैं दांगी, उनका गढ़ है राजगढ़ जिला और उसके आसपास में साजापुर वगैरह जिले में कम मात्रा में, लेकिन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में दांगी सरनेम जो मिलेगी राजगढ़ जिले में मिलेगी। लिख लिया, नेक्स्ट पर चलिएगा। पुरुष साक्षरता मुंह यू की रियो थो कि जितना भी आदमी होना है भी आदमी न के भाई साहब 73.02% साक्षरता है ना, बेरा बेरा मतलब महिलाएं 48.95%, कितना कम है, 48.50% भी महिलाएं शिक्षित नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पड़ोसी जिले बता चुका हूं, आगरमालवा, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, गुना, ये इसके पड़ोसी जिले, संख्या गिनू तो कितनी होगी, 5।
भोपाल संभाग का एकमात्र जिला जो दूसरे राज्य अर्थात राजस्थान को स्पर्श करता है, एकमात्र जिला, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बता चुका हूं। कर्क रेखा भी निकलती है, कर्क रेखा को अगर कोई नहीं जानता है तो याद रखेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसे। हाँ, तहसील कौन कौन सी है? राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर, जीरापुर, पचोर, टोटल मिलाकर 7 तहसीलें जिला राजगढ़ में आती है। लिखा, लिखो। नेक्स्ट पर देखिएगा, दमदार चीज बताता हूं आपको। विकासखंड कितने हैं? विकासखंड कितने हैं भाई साहब? ऐसा कहते हैं ना कि जब दो तहसीलों को मिलाकर एक विकासखंड होता है, विधायक, 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 विकासखंड। राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहपुर, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर, जीरापुर, यहां अगर आप पचोर को हटा दो तो पचोर विकासखंड नहीं है, बाकी 7 में से 6 की 6 तहसीलें विकासखंड है। 6 की 6 तहसीलें क्या है? विकासखंड है। नदियां कौन कौन सी है साहब यहां पर? नेवज नदी, नेवज नदी, काली सिंध नदी, अजनार नदी, पार्वती नदी, दूधी नदी और सोनार नदी। अजनार, पार्वती, सोनार, काली सिंध, नेवज, ये खास खास नदियां हैं जो जिला राजगढ़ में, कहीं नरसिंहपुर में, कहीं राजगढ़ में, कहीं पचोर में, अलग अलग तहसीलों में बहती है। जिला राजगढ़ में आता है नेवज नदी, काली सिंध नदी, अजनार नदी, पार्वती नदी, दूधी नदी, सोनार नदी। आपके लिए शानदार जानकारी लेकर आया हूं, समझिएगा जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। राजगढ़ जिला मुख्यालय मतलब राजगढ़ में जो है ना, जैसे कि इतना बड़ा राजगढ़ जिला फैला, उसमें इधर पचोर आपका, इधर पचोर आ गया है, इधर आपका खिलचीपुर आ गया है आपका, ठीक है ना। तो बीच में जो राजगढ़ है आपका, ये राजगढ़ की बात कर रहा है, सिर्फ राजगढ़ शहर की। राजगढ़ जिला मुख्यालय अर्थात राजगढ़ सिटी नेवज नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? नेवज नदी के किनारे मोहनपुरा डैम बना हुआ है, पढ़ाऊंगा, एवं सारंगपुर शहर जो है वह काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। सारंगपुर का नाम सुना होगा आपने, जहां पर रानी रूपमती बाजबहादुर की समाधि है, वह सारंगपुर कौन सी नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के किनारे। और राजगढ़ जो मुख्यालय है वह कौन सी नदी के किनारे? नेवज नदी के किनारे है। नीचे क्या लिखा हुआ है? नेवज नदी का उद्गम स्थल, मतलब नेवज नदी प्रकट कहां से भाई मां साहब? तो प्रकट हुई है ये राजगढ़ से ही निकली है, एवं नेवज नदी को शास्त्रों में निर्विंध्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्विंध्या। कल को पूछा जाए कि कौन सी नदी निर्विंध्या के नाम से जानी जाती है, तो राजगढ़ जिले की नेवज नदी निर्विंध्या के नाम से जानी जाती है, निर्विंध्या। नरसिंहगढ़ से एमएलए है महाराजा कुंवर राजवर्धन सिंह जी, हां राजवर्धन सिंह जी वहां से है। ब्यावरा अजनार नदी के किनारे, ये देखो भाई साहब बता देंगे, ब्यावरा वाले लड़के बैठे हैं इधर, हाओ मोरे के स्वर्ग से प्रणाम भाई साहब, नमस्कार। लिख लिया आप लोगों ने, ये जानकारी लिखी आप लोगों ने। अब ये देखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है आपकी काली सिंध नदी। इस काली सिंध नदी को देखने से पहले आपको मैं जूम करूं तो आप लोगों को क्या देखना उचित होगा, तो ध्यान से देखिएगा। काली सिंध नदी तो देख लेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये सारंगपुर है, जहां पर लॉक बना हुआ है, ये मुख्यालय, ये सारंगपुर है। और इस सारंगपुर पूरे शहर को देखिएगा आप, तो ये पूरा का पूरा शहर जो बसा हुआ है वह इस काली सिंध नदी के किनारे, काली सिंध नदी बहकर जा रही है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो काली सिंध नदी के किनारे आपका कौन सा शहर है? सारंगपुर शहर है। काली सिंध नदी के किनारे शहर और कौन से शहर आएंगे? तो याद रखिएगा, देवास जिले का बागली शहर, या फिर वो चाहे देवास जिले की बात करें, ये दोनों और सारंगपुर, ये तीनों काली सिंध नदी के किनारे है। सर काली सिंध नदी क्या यही से निकलती है, सारंगपुर से? नहीं भाई, ये तो बागली, बागली तहसील जिला देवास में अमोदिया गांव से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है ना। बागली तहसील जिला देवास से निकलती काली सिंध नदी, वहां तो एक छोटे से नाले के रूप में हम उधर से ही है, बाद में जाकर बड़ा सा रूप लेती है। तो सारंगपुर किस नदी के किनारे है? तो सारंगपुर हुआ, बागली हुआ, देवास हुआ। देवास मुख्य सर है नहीं, पर किताबें ऐसा पढ़ाती है। ओके, अमित गोयल कह रहे हैं सर आप बहुत बुरे हो, आपने हमें सारे ऐसी आदत लगा दी कि अब आप सारे लेक्चर, सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाओ, ऐसा मन करता है। हाँ तो फिर ऐसा बुरा है तो मैं बुरा अच्छा हूं, ठीक है ना। अगर दाग अच्छे हैं तो फिर दाग ही समझो। रेडी, तो सारंगपुर किस नदी के किनारे है?
WHO की रिपोर्ट के अनुसार, समझिएगा यहां से अब राजगढ़ वालों की तारीफ शुरू हो जाएगी भाई साहब, WHO की अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, दुनिया में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा, आपकी हेल्थ का, आपके शरीर स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संगठन WHO, WHO की रिपोर्ट के अनुसार सन 2007 में प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मिले थे। यह एक रिकॉर्ड है अपने आप में कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज 2007 में राजगढ़ जिले में पाए गए थे, और यह आंकड़ा भी आज भी अद्वितीय है। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में तंबाकू का सर्वाधिक सेवन करने वाला जिला राजगढ़ है। तंबाकू का लदा जर्दो दीजो मसी के मुंह क्यूरियो दीदो यार, मुंह खिलाऊंगा यार सुपारी तम दियो तो। ये राजगढ़ जिला सर्वाधिक तंबाकू का सेवन करने वाला, सेवन का मतलब होता है यहां उपयोग होती है, चाहे वो जर्दा आप पान मसाला समझे, तंबाकू समझे, चाहे उसे बीड़ी के रूप में समझे, किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2007 में सर्वाधिक कैंसर पीड़ित वाला जिला राजगढ़, और राजगढ़ जिले में तंबाकू का सर्वाधिक होता है सेवन। ये प्रश्न आप लोगों को लगा होगा। अब साथ ही साथ में दर्शन कर लीजिए इस चीज का भी, हंसी मजाक अपनी तरफ और ये इनकी बात एक तरफ। अगर मैं इस व्यक्ति की बात करूं अजय देवगन की, तो इसके लिए एक ही शब्द कहूंगा कि देखो मैं अपनी कमाई का साधन लाया हूं, खाओ लोगों, मैं तुम्हारी मौत का सामान लाया हूं, खाओ। और यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है? मौत। अब इस पाउच को आप समझोगे, विशेषतः मैं बता रहा हूं, वाकई में बहुत खराब चीज है, और इसका आप आनंद मत लो, इसको एक बार बहुत अच्छे से समझो। पाउच ये खुद कहता है कि नहीं खाना चाहिए। अब ये यहां पर जो बता रहा है ना, ये वो बता रहा है कि पाउच के अंदर छिपकली है, ये छिपकली है, मानते हैं हर पाउच में नहीं होती है, छिपकली पाउच के अंदर ये मरी पड़ी है। आदमी क्या करता है, उसे उठाता है और एकदम फाड़ के खा जाता है। इस आदमी को देखो, इसको फोन लगाओ, इसके घर जाकर देखो, इनके पिताजी ने, बाप दादा ने कभी ये पाउच नहीं खाया होगा। जुबा केसरी ये तुम्हें बेच रहे हैं, ऐश्वर्या राय लक्स के साबुन से नहाए ना नहाए वो तुम्हें जरूर बेच रही है, अमिताभ बच्चन ने अपनी खुपड़िया में कभी नवरत्न तेल लगाया होगा ही नहीं, लेकिन वो तुम्हें नवरत्न तेल जरूर बेच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कि इन्होंने मौत का सामान बेच दिया, आपने बड़े अच्छे से बारीकी से खरीद लिया। अरे इनसे पूछो तो इनकी कमाई का जरिया। अभी रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल का फुटबॉल खिलाड़ी, उसने 2-3 बोतल कोको कोला की हटा दी तो कोको कोला कंपनी अरबों के घाटे में चली गई, और अब भारत के लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो रोनाल्डो ने कितना बढ़िया किया है, पानी को सपोर्ट किया है। वो रोनाल्डो दुनिया का एक मोटिवेशनल बन गया है, मोटिवेशन दे रहा है वो। ये क्या मोटिवेशन दे रहे हैं? ये तो सोच रहे हैं कि मर जाओ, हमारी कमाई होनी चाहिए। हालात देखो तुम, ये हालात होते हैं, इसको ठीक से देखोगे ना तो ये पस आ रहा है जीभ में, इसको कहते हैं धीमी मौत। और पाउच पर ऐसे ऐसे चित्र बने होते हैं, इसे मुंह का कैंसर कहते हैं। आप वो लोग बड़ी बारीकी से खाते हो, आप जहर को दबा के उस जीभ के ऊपर रखते हो जो सबसे कोमल होती है, और घंटे घंटे उसे थूकने नहीं जाते हो, बोलते हैं हमें चैन पड़ता है। चैन पड़ता है, तुमको पाउच का इंजेक्शन देके पैदा किया था बे, चैन पड़ता है। इधर देखो एक बुरी आदत, पाउच खाना, बोले साहब हम तो खाते हैं थूक देते हैं। इस आदमी को देखिएगा, ऐसे कई सारे किस्से आपने सुने होंगे कि भाई साहब वो पाउच खा के लंबा थूक थूक रहा था, ट्रक वाले ने देकर निकल गया। बोलो हाँ, एक तो साला गंदगी कर रहा रोड पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा यह है कि जहां मुंह खोल के जवाब देना चाहिए था, वहां मुंह खोल के जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ये क्या है, पूरा सत्यानाश कर रखा है इस एक छोटे से पाउच ने पूरा सत्यानाश करके रखा है आपका। जो खा रहा है ना, प्लीज छोड़ देना, छोड़ दीजिएगा प्लीज। समझ पा रहे हैं आप? हाँ नहीं, दांत तो काटी रहा था, मुंह कीड़ियों ने निपटी जाओगा, समझ जाओ भाई। पाउच नहीं खाना है मतलब कि नहीं खाना है, ये मौत का सामान है, पूरा पूरा सा गंदा चीज है, इसका सेवन ज्यादा होता है अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है ना। बिक रहा है मार्केट में, नया तरीका आया है सर, इसमें पहले तंबाकू मिली आती थी, अब तंबाकू अलग से मिलाई जाएंगी। क्या है यार, बाहर तो निकलो, नशा से थोड़ा सा बाहर तो निकलो, ठीक है ना। अब आपको देखो, नशा तो मैं भी कर सकता था, जेब में पैसा है, अकेला रहता हूं, कोई कुछ बोल नहीं सकता, दारू पी सकते हैं, जाति से राजपूत है, चिकन खा सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, पाउच आउच मस्के खा, कौन रोक रहा है?
मैं खुद रोक रहा हूं, ना हमें दारू पीना है, ना हमें मांस खाना है, ना हमें सिगरेट पीना है, ना बीड़ी पीना है, ना पाउच खाना है। क्यों? आदत जो होती है वह बुरी होती है, वह अच्छी हो या बुरी हो, धीरे धीरे आदत लगेगी, बर्बादी की ओर लेके चली जाएगी। तो छोड़ दो भाई, प्लीज प्लीज छोड़ दो, कम उम्र है, छोड़ दो, है ना, खाना छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट पर आइएगा, राजगढ़ का प्राचीन नाम। राजगढ़ की बात करते हैं और राजगढ़ जिले का इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें आपको चीज निकल कर आती है। राजगढ़ जिले का प्राचीन नाम झंझनीपुर के नाम से इसे जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? झंझनीपुर से के नाम से जाना जाता था। अरे भारत सरकार काहे बंद करेगी भाई, उसको तो रिवेन्यू आता है ना। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि यदि भारत सरकार को पता चल जाए ना कि मेरे मरने से भारत सरकार को 1 अरब का फायदा है, कल मार दे मुझे। भारत सरकार को हीरा निकलेगा बक्सवाहा जंगल से, छतरपुर से भारत सरकार को फायदा है। वो जंगल नहीं छोड़ रही है, हजारों लाखों पेड़ नहीं छोड़ रही है, आदमी कहां से छोड़ेगी? पैसा चाहिए, पैसा, ये बोलता है भाई, पैसे की तुती बोलती है। आप तो समझदार हो, भारत सरकार बंद करेगी तो हम करेंगे, जरूरी थोड़ी ना है। वो बंद नहीं करेगी, आप करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भारत सरकार ने तो योगा स्थान भी खोले हुए हैं, योग करो। भारत सरकार ने तो बहुत अच्छी अच्छी चीज खोली है, वो करो। मार्केट में गाय का दूध मिलता है, वो पियो। क्या बात कर रहे हो? भारत सरकार करेगी, आप करोगे? अपनी सरकार खुद हो, अपनी सरकार से कहो, भारत सरकार से मत कहो। अपनी सरकार मान गई तो दुनिया चंगी, एकदम बढ़िया, मस्त है। राजगढ़ का प्राचीन नाम झंझनीपुर था। क्या नाम था? राजगढ़ का प्राचीन नाम झंझनीपुर था, जो भील जनजाति द्वारा दिया गया नाम था। ये राजगढ़ का इतिहास चल रहा है, यहां से बढ़िया चीज समझिएगा। 1640 में, अर्थात 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी, अर्थात 1640 जो था, इसके एडी की बात कर रहा हूं, परमार वंश के रावत मोहन सिंह ने भीलों को शिकस्त दी, अर्थात पराजित किया, और राजगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर उस राजगढ़ को स्थापना कर दी। पुनः सुनिएगा, राजगढ़ को पहले झंझनीपुर के नाम से भी जाना जाता था। यह नाम भीलों ने, भील जनजाति के लोगों ने इसे प्रदान किया था। 1640 में परमार शासक जो थे, उन्होंने, मोहन सिंह जी ने भीलों को परास्त कर यहां अपनी राजधानी बना ली, अपना गढ़ बना लिया, रहने लगे और स्थापना कर दी। राजगढ़ का वर्तमान नाम 1766, लगभग उसके 150 साल के बाद की, लगभग 150 साल के बाद में महाराजा गज सिंह, क्या नाम दिया गया है? महाराजा गज सिंह ने अपने बेटे राज सिंह के नाम पर राजगढ़ रखा, अर्थात राजगढ़ का नामकरण 1766 ईस्वी में किया गया था। 250 साल से भी अधिक समय हो गया है राजगढ़ को राजगढ़ के नाम से जाने हुए। ये गढ़ क्या होता है साहब? गढ़ क्या होता है भाई साहब? गढ़ होता है ठिकाना। गढ़ का मतलब होता है ठिकाना, और पर्सनल होती है तो वो होती गढ़ी। जैसे हमने देखा है, आप किधर भी जाओगे जहां राजपूतों का क्षेत्र है, वहां कहते हैं फलाने की गढ़ी। गढ़ी मतलब होता है उसका एक, जैसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलते हैं, रावला भी बोलते हैं, गढ़ी भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, राज सिंह ने राज सिंह के नाम पर रखा गया, तो राज सिंह अर्थात राज का जो गढ़ है, ठिकाना है, वो राजगढ़ है। इस तरह से राजगढ़ इसका नाम रखा गया। 30 नंबर बीड़ी, सफलता की सीढ़ी, गया छोरा हाथ से निकली गयो रे, मुंह कीरियो नहीं गयो अमित दा, तम तो गया 30 नंबर बीड़ी, सफलता की सीढ़ी। 1700 की बात कर रहा है वो, बाद में पढ़ाऊंगा। नरसिंहगढ़ शहर का इतिहास समझिएगा, कहां की बात कर रहा है वो? नरसिंहगढ़ शहर की बात कर रहा है। नरसिंहगढ़ साहब, ये नरसिंहगढ़ कहां से आ गया? राजगढ़ जिले की एक तहसील है नरसिंहगढ़, समझिएगा। राजगढ़ जिले में प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित मतलब छाया हुआ नरसिंहगढ़ शहर को मालवा का कश्मीर या मिनी कश्मीर या कश्मीर ए मालवा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यह नरसिंहगढ़ को। अब यहां पर रुक जाना, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर वो कट्ठीवाड़ा भी तो है, वो कट्ठीवाड़ा भी तो है, ठीक है ना, वो कट्ठीवाड़ा भी तो है। कट्ठीवाड़ा के साथ में कभी भी मालवा शब्द नहीं जोड़ा जाएगा, मालवा शब्द नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन यहां पर राजगढ़ जो है प्योर मालवा है, प्योर मालवा पट्टी है,
तम कई करी रिया हो, तम कले कई कई करी रिया हो, तम कहाँ जा रिया हो, मु थारा से क्यों हूं, थारा से क्यों हूं, असो करी लीजिए। ये मालवा पट्टी है, तो मालवा का कश्मीर कहा जाता है। अब नरसिंहगढ़ को क्यों कहा जाता है, क्योंकि नरसिंहगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है चिड़ी खो। क्या नाम है? चिड़ी खो। या चिड़ी खो एक स्थल है जो नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो प्राकृतिक सुंदरता से देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है नरसिंहगढ़ शहर, तो इसे हम पढ़ रहे हैं। तो नरसिंहगढ़ की बात करता हूं, तो इसके बारे में प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट पर देखिएगा, ये एकदम महेश्वर घाट की तरह थोड़ा छोटा सा समझ में आ रहा है। नरसिंहगढ़ शहर सोनार नदी के किनारे बसा हुआ है। इस शहर की स्थापना 1681 में राजगढ़ में राजा राज सिंह के नाम पर नाम रखाने से भी 100 साल पहले 1681 में दीवान परसराम व्यक्ति ने नरसिंहगढ़ की स्थापना की थी। यदि आप में से कोई नरसिंहगढ़ का बच्चा बैठा हो तो याद रखना कि आपका नरसिंहगढ़ 1681 में बन गया था, जो लगभग लगभग आज से मैं कहूं तो लगभग लगभग 450 साल पहले की बात कर रहा है। और उसकी स्थापना करने वाला दीवान परसराम था। कौन था? दीवान परसराम। नरसिंहगढ़ पर खिलजी शासकों का भी शासन रहा है। ये खिलजी शासक कब रहे थे? तो आपने सुना होगा 1290 से 1320 में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्थापना की थी, तत्पश्चात में अलाउद्दीन खिलजी आया था, ठीक है ना। तो खिलजी शासकों का भी यहां पर कब्जा रहा है और दीवान परसराम ने इस नरसिंहगढ़ शहर की स्थापना की थी। और यह सुंदर सा घाट, यह स्थान आप देख सकते हैं नरसिंहगढ़ के संदर्भ में। सर महाराज साजापुर में तो कई नहीं अच्छी जगह, बस एक किलो है। हाँ तो वो किलो ही रख लो नेहा, वो किलो ही काम को बेटा। नरसिंहगढ़ के राजकुमार, नरसिंहगढ़ के राजकुमार शहीद कुंवर चैन सिंह जी, शहीद कुंवर चैन सिंह जी थे जो 24 जून 1824 को सीहोर में शहीद हुए थे। और पूरा नरसिंहगढ़ नगर एक किले के अंदर बना हुआ है। आज की तारीख में इस आधुनिकता के समय में आपको नरसिंहगढ़ में ऐसी चीज शायद आपको ना समझ में आए कि एक किले के अंदर है हम। तो याद रखिएगा, राजस्थान का एक प्रतापगढ़ शहर है, उस प्रतापगढ़ में जाओगे तो पता चलता है कि चारों तरफ से यह घिरा हुआ है और चारों तरफ उसमें गेट है, जो आज की तारीख में लोगों को समझ में ना आए। ठीक उसी तरह से आपका नरसिंहगढ़ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो नरसिंहगढ़ है, इस नरसिंहगढ़ को अगर देखा जाए तो ये गेट है, जिस तरह से एक द्वार है, ये ऐसे गेट से दूर दूर उसके बीच में नगर बसा हुआ है, गेट पास पास में नहीं है। तो कह रहा है कि पूरा जो नरसिंहगढ़ नगर है वह एक किले के अंदर बना हुआ है, जो पहले उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता था। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं अगर समझ में आया तो यहां याद रखिएगा, कुंवर चैन सिंह जी कौन थे। मैं इससे पहले सीहोर जिले में इनके बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन भाई साहब ये यहां की रियासत के राजा थे। एक बार फिर से बोल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुंवर चैन सिंह जी जो थे क्षत्रिय वंश से थे, राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ रियासत थी। उस नरसिंहगढ़ रियासत में अंग्रेजों के समय पर यहां पर राजकुमार थे। अंग्रेजों के द्वारा भोपाल के नवाब के कहने पर सीहोर में एक आर्मी छावनी, सैन्य छावनी बनाई गई, और साथ ही साथ में नवाब ने यह कह दिया कि अब आप जाकर किसी भी तरह से, 1818 में छावनी लगी थी, 1818 में, आप नरसिंहगढ़ की रियासत हो, चाहे वो खुलचीपुर रियासत हो, चाहे वो नरसिंहगढ़ रियासत हो, आप वहां की रियासतों की राजनीतिक व्यवस्था संभालो। अब राजा कुंवर चैन सिंह और राजनीति संभाले गोरे लोग, कुंवर चैन सिंह ने नकार दिया। और कुंवर चैन सिंह जी ने कहा मैं आपका कहना नहीं मानूंगा। तो उन्होंने कहा हमारा दो बात मान लो, पहला या तो नरसिंहगढ़ हमारे हवाले कर दो, या दूसरा नरसिंहगढ़ क्षेत्र में जितनी भी अफीम की खेती होती है वो सब अंग्रेजों को बेचो। वो तो दोनों मंजूर नहीं थी। तो 24 जून 1824 को सीहोर के दशहरा बाग मैदान में अपने दो सारंगपुर निवासी, कहां के बेटा, यहीं के थे, राजगढ़ जिले से, सारंगपुर निवासी हिम्मत खान और बहादुर खान और अन्य 42-43 सैनिकों को लेकर दशहरा मैदान सीहोर में लड़े, शहादत हुई। और 2015 से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार कुंवर चैन सिंह जी की छतरी पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कर रही है। और यह शहीद चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह जी की जो छतरी है सीहोर में, वह जो है जिस स्थान पर अलग अलग जगह पर उनके नाम से स्थापित की गई है, उसमें से अपनी ही कोचिंग के बच्चे हैं, अपनी कोचिंग के स्टूडेंट है, उनके ही खेत में बनी है, ऐसा उन्हें उनके द्वारा मुझे बताया गया है कि हमारे ही दादा परदादा के खेत है जिसमें छतरी बनी हुई है। बढ़िया स्थान है, ठीक है, आएंगे किसी दिन सीहोर।
सर आप नरसिंहगढ़ आए कि नहीं कभी? भाई साहब नहीं आया यार, मौका ही नहीं मिला यार मैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये प्रश्न निकाल लीजिए आप। नरसिंहगढ़ के कुछ पर्यटन स्थलों की बात करता हूं कि नरसिंहगढ़ में सर और कौन कौन सी जगह है। तो राजा याद रखिएगा फोर्ट ऑफ नरसिंहपुर अर्थात फोर्ट ऑफ नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ का किला आप देख सकते हैं कि नरसिंहगढ़ का किला जो है पर्यटन स्थल के रूप में है। इस नरसिंहगढ़ के किले की भव्यता भी है। नरसिंहगढ़ का किला जो है आज की तारीख में कई सारी गुप्त जानकारियों को संजय हुए एक पर्यटन स्थल के रूप में है। कभी भी नरसिंहगढ़ पहुंचे तो इन किलों में आप आराम से घूम सकते हैं। साथ में और क्या क्या है नरसिंहगढ़ के किले के साथ में? चिड़ी खो क्या है सर? आप देखिएगा चिड़ी खो एक स्थल है लेकिन यहां पर लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य रायसेन जिले के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में है। और आप देखेंगे ये सौंदर्य प्राकृतिक जो जगह है इस नरसिंहगढ़ अभ्यारण के अंदर एक जगह है आती है चिड़ी खो। और ये फोटो जो दिख रही है जैसे सारस का जोड़ा ये घूम रहा है, ये शांति से बैठने का पीस पॉइंट आप समझो इसे। और इससे भी सुंदर सुंदर जगह है, इसे और सुहावना बनाता है ये जो बारिश का मौसम आने वाला है। ये बारिश का मौसम इस चिड़ी खो स्थान को नरसिंहगढ़ अभ्यारण को और सुंदर बना देता है। घूमने लायक जगह आपके आसपास अगर कोई है राजगढ़ वाले तो पहुंच जाइएगा, राजगढ़ के आसपास वाले, ठीक है ना। चिड़ी खो, ठीक है। छोटा महादेव मंदिर एवं बड़ा महादेव मंदिर, ये बड़ा महादेव मंदिर, छोटा महादेव मंदिर, बड़ा महादेव मंदिर दोनों की तस्वीर एक साथ लगी हुई है। यह प्रश्न आपको पूछा जा चुका है कि छोटा महादेव मंदिर और बड़ा महादेव मंदिर, बेटा अंकित चौधरी याद हो आपको तो मैंने आप राजगढ़ से हैं याद हो तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए थे, उस प्रीवियस ईयर के पेपर में कहा था कि छोटा महादेव और बड़ा महादेव मंदिर कहां है? नरसिंहगढ़ में है, जिला राजगढ़ में है। और ये शरद ऋतु में सावन सोमवार भोलेनाथ का मेला लगता है, सावन सोमवार में सोमवार स्थल पर फेमस जगह है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर देखने लायक जगह। छोटा महादेव मंदिर, बड़ा महादेव मंदिर, नरसिंहगढ़ का किला, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और चिड़ी खो, ये सब कहां पर है? नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में। और देखिएगा क्या क्या है यहाँ पर, यहां पर है जल मंदिर, सुंदर सा जल मंदिर आप देख रहे हैं। अरे यार आप गोल्डन टेम्पल देखने तो बहुत जाते हो, अमृतसर तो बहुत जाते हो घूमने, सर क्यों? अरे सर वो सोने से बना, तो सोना तुम्हें मिल रहा है क्या? सर वो तालाब के बीच में है, तो ये देखो ना अपने यहां भी है, अपने यहां पर भी है, यहां पर भी है, नरसिंहपुर में भी है, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में भी मिलेगा पानी के बीच में माता जी का मंदिर। और ये आपका जल मंदिर, तो जल मंदिर कहां है? ऑप्शन यदि कहीं ना कहीं नरसिंहगढ़ जा तो उत्तर लगा कर आइएगा, पूछा था प्रीवियस ईयर में। ओके, फिर ये क्या है भाई साहब? ये है आपका 16 खंबा मंदिर। कौन सा है? 16 खंबा मंदिर। ये 16 खंबा नहीं नहीं सर, थोड़ा गलती हो गई होगी सर, थोड़ा गलती हो गया होगा आपसे सर, 12 खंबा होगा, 12 खंबा, 12 खंबा सर, 12 खंबा होगा, याद रखना 12 खंबा। जब भी बात होगी तहसील इछावर होगी, तहसील इछावर होगी और जिला सीहोर होगा जो कि इसका पड़ोसी जिला आता है। सीहोर जिले की इछावर तहसील में 12 खंबा मेला लगता है और यहां मैं बात कर रहा हूं 16 खंबा मंदिर की, 16 खंबा मंदिर की बात कर रहा हूं। छोटा बड़ा महादेव मंदिर मंदसौर में भी है जी, मनोज केवट आईपीएस, हाँ यार हो सकता है, प्रसिद्ध यह है राजा। और राजा जी मुझे माफ कर दो, मुंह आज लेट हो गया, मतलब मोड़ा हो गया, मैं समझता हूं मोड़ा हो जाएंगे, अरे लौटना में मैं सब समझता हूं, मालवा कहीं हो टेंशन ना लो, आपके सावन में आना ठीक है। तो ये है 16 खंबा मंदिर की बात कर रहा है। अब मैंने जो सुना वो आप सुनिएगा, अगर आप राजगढ़ से भी हो, किंवदंती हो सकती है या मिथ्या भाषण हो सकता है, मैं जिस समय की बात कर रहा हूं उस समय ना तो मैं था ना आप थे, पूछिएगा। ऐसा कहते हैं कि यह 16 खंबा जो मंदिर है, ये 16 खंबा मंदिर है, कहते हैं इसके ऊपर मंजिलें भी थी, इसके ऊपर और मंजिलें थी ऐसी, इस तरह से कहते हैं इसके ऊपर 16 मंजिलें थी और 16 मंजिल के बाद में इसके ऊपर एक चिमनी लगी हुई थी। उस चिमनी का जो प्रकाश होता था, लाइट होता था, ऐसा कहते हैं क्योंकि खिलजियों ने यहां पर शासन किया था, तो वो जो चिमनी थी उसका उजाला दिल्ली में नजर आता था। अब कितना सत्य है कितना झूठ है, लेकिन मैंने जो सुना मैं आपको सुना देता, ठीक है ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो 16 खंबा मंदिर राजगढ़ नरसिंहगढ़ में,
साका श्याम जी मंदिर, यह साका श्याम जी मंदिर भी फेमस जगह है। साका श्याम जी मंदिर भी आप घूमने जाइएगा। साका श्याम जी मंदिर अलग अलग नहीं है, ये सब आपको मैं घुमा फिरा कर तस्वीरें बता रहा हूं। ये बिल्कुल शानदार कलाओं के माध्यम से बनाई गई, छोटी छोटी कलाकृति के माध्यम से बनाई गई, संजोई गई मूर्तियां पत्थरों पर उकारी गई। साका श्याम जी मंदिर आपको नरसिंहगढ़ में मिलेगा। इसके बीच में एडीपीओ की बैच का अनाउंसमेंट आपको कर देता हूं। 1500 इसकी फीस है। एडीपीओ 150 नंबर का जीएस के लिए आप यहां पर परचेस कर सकते हैं, बेहतरीन पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। शत्रुघ्न राजपूत, देखो आप पीडीएफ के चक्कर में, मैं आपको एक क्या बात कहूं, पीडीएफ का मामला ऐसा है राजा कि पीडीएफ तो सब इकट्ठा करना चाहते हैं पर पीडीएफ को पढ़ना कोई नहीं चाहता है। टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, जब पीडीएफ के तो ढेर है, पढ़ेगा कोई नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ेंगे, लेकिन आप यहां से स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है ना। हाँ, साका श्याम जी मंदिर के बारे में ऐसा कहते हैं कि एक रात में बनाया गया था। जी बिल्कुल सही है सत्य वचन। ई बाजी कौन है? ई बाजी तो यही खड़िया था, फोटो में है गया साथ में ना, ठीक है ना। ई बाजी कौन है? चलो भाई राजा, अगर आपको, सुन लीजिएगा मेरी बात, मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूं कि जैसे कि मैं देख पा रहा हूं इधर बहुत कम लाइक हुए हैं, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं यदि एक बार 2 सेकंड का समय निकाल कर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो कृपा होगी, बहुत अच्छा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से झाबुआ, हाँ कुकड़े मिलते हैं तमाम, हाँ कुकड़े मिलते हैं वहां, काली काली मुर्गी वाला आना, हाँ ठीक है। नरसिंहगढ़ में, राजगढ़ में क्या पढ़ने को? अभी राजगढ़ का किला पढ़ना है आप लोगों को, अभी आपको ब्यावरा के बारे में पढ़ना है, आपको भी खिलचीपुर के बारे में पढ़ना है, पचोर से निकलने वाले प्रश्न पढ़ना है, मोहनपुरा डैम के बारे में पढ़ना है, इसके बाद में आपको बाज बहादुर रानी रूपमती की कथा आपको पढ़ना है, जहां से मैं आपको प्रश्न दूंगा कहां की रानी थी, कहां तहसील, कहां उनकी राजधानी थी, कहां महल, कहां समाधि, किससे हारे थे, ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ में कुछ पर्यटन स्थल जो नरसिंहगढ़ के अलावा भी राजगढ़ जिले में आते हैं वो पढ़ना है, कुछ नेशनल हाईवे के बारे में चर्चा करना है, वो सब मैं कल करूंगा। लेकिन आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठोको लाइक भाई, और आप सभी से विदा लेता हूं। काफी ज्यादा संख्या में आप लोग देख रहे हैं, फिर भी अब मेरा समय हो चुका है, मुझे दीजिएगा विदा आप। और सुनिएगा, एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा, रुकना राजा रुकिएगा, है ना, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं जिससे मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है। फायदे की बात यह है कि यदि आप में से कोई राजगढ़ का स्टूडेंट है और राजगढ़ जिले के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके पास है, अभी भी ऐसी जानकारी है जो अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं क्योंकि अभी दूसरा लेक्चर बचा है, बाकी सब मैं लेकर आऊंगा, अगर आपके पास जानकारी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना, आप मुझे इंस्टाग्राम पर वो सारी जानकारी बाय मैसेज दे सकते हैं, मैं आपका मैसेज सीन करूंगा जरूर। और याद रखिएगा आप इस आईडी पर, ठीक है ना, राजा रजत सिंह के नाम से आप मुझे जितनी भी जानकारी आपके पास में राजगढ़ संबंधित, आप जिस जगह की हो वहां की अगर कोई फेमस चीज हो तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पर आप फॉलो कीजिएगा और इस इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे आप पूरी जानकारी दीजिएगा। हो सकता है जिसमें मुझे भी अच्छा लगे और आपकी मदद से मैं कुछ और ज्यादा अच्छी चीज दे पाऊं। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में। मंदसौर जिला कब पढ़ाओगे? धनगर जी, मंदसौर जिला पढ़ा चुका हूं। सुनना राजा, जबलपुर संभाग पूरा पढ़ा दिया, इंदौर संभाग पूरा पढ़ा दिया, और उज्जैन संभाग पूरा पढ़ा दिया, सागर संभाग पूरा पढ़ा दिया, और भोपाल संभाग का सेकेंड लास्ट जिला चल रहा है। 8 जिले इंदौर के, 8 जिले आपके जबलपुर के, 16, 7 जिले आपके कहां के पढ़ा दिए मैंने, उज्जैन के, तो 16 और 7 23, 6 जिले पढ़ा दिए मैंने कहां के आपके, सागर संभाग के 29, और 4 जिले पढ़ा रहा हूं यहां का, 33 जिला चल हो गया भाई साहब, 33, ठीक है ना, ओके। हाँ, तो मुझे इस आईडी पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और साथ ही में मुझे इस पर सारे मैसेज करके जानकारी दे दीजिए अगर आपके पास हो तो। चलिए लाइक करो वीडियो को, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत।